नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो केएस विजन प्लेनेट और मैं आपका दोस्त भूरा शर्मा। तो दोस्तों, बहुत सारे भाइयों की रिक्वायरमेंट थी कि भाई साहब आप कोई पानी बताओ जो बाजी के लिए लगाया जाता है। दोस्तों, मेरे पास कई तरीके के पानी है, लेकिन मैंने कई भाइयों को जो व्हाट्सएप पे पानी बताया है और उससे उन्हें काफी फायदा हुआ है, तो आज मैं वही पानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, बाजी के अंदर पानी लगाया क्यों जाता है, सबसे पहला सवाल तो ये है। दोस्तों, पानी लगने से कबूतर की जो लिमिट रहती है उड़ने की, वो 2-3 घंटे ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात, पानी जो हम ये बनाते हैं ठंडा पानी होता है, इससे क्या होता है कि कबूतर के पोट की गर्मी शांत होती है, जिसकी वजह से कबूतर 2 या 3 घंटे ज्यादा उड़ जाता है और अच्छी नस्लें होती हैं तो और भी ज्यादा उड़ जाती हैं। तो दोस्तों, ये अब देख अनिल भाई, ये कबूतर भी सही है। ये कबूतर हमने जो है बाजियों के लिए तैयार कर रखे थे, लेकिन जो है अब ये कोरोना वायरस ऐसा आ गया कि हम इनको उड़ाया ही नहीं हमने। ये कबूतर देखो जैसे ये है, नर है। ये देखिए, ये नर स्पेशल बाजियों के लिए ही तैयार किया था हमने। हमारे घर का पट्टा है, दसू साफ हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अब जो है माहौल ऐसा हो गया कि हमने कोई बाजियां नहीं लगाई। और दूसरी बात, मैंने अभी पानी भी नहीं बनाया था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि पानी बनाने के लिए कौन कौन सा सामान डलता है और पानी लगाया कैसे जाता है। तो दोस्तों, कॉपी पेन ले लीजिए और सामान को ध्यान से लिखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले लिखना है छोटी इलायची 1 तोला। नंबर 2 पे है तवासीर 1 तोला। नंबर 3 पे है मुलट्टी 1 तोला। नंबर 4 पे है गुलाब के पत्ते 1 तोला। नंबर 5 पे है संदलबुर, यानी चंदन का बूरा। इसको चंदन का बूरा भी बोलते हैं और संदलबुर भी बोलते हैं। नंबर 6 पे है सौंफ 1 तोला। नंबर 7 पे है धनिया पाउडर 1 तोला। और बाकी डालने को तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें डलती हैं जो काफ़ी ठंडी भी होती हैं, लेकिन ज़्यादा वैरायटी नहीं है। जो मैंने आपको बताया है, एक संदलबुर और एक इलायची, ये महंगी है, बाकी सब सस्ता आइटम है ये सारे के सारे। और पानी का रिजल्ट बहुत अच्छा है इस पानी का। और दोस्तों, एक बार क्वांटिटी फिर सुन लीजिए, क्योंकि कई भाई कहते हैं कि भाई क्वांटिटी हमें पता नहीं चली। ये दिखा भी दे अनिल, राइटिंग तुम्हारे भाई की थोड़ी ऐसी ही है, लेकिन आप सुनो। छोटी इलायची 1 तोला, तवासीर 1 तोला, मुलट्टी 1 तोला, गुलाब के पत्ते 1 तोला, संदल का बुर 1 तोला, सौंफ 1 तोला, धनिया पाउडर 1 तोला। तो दोस्तों, इन सब सामानों को लेके और मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना है। इसको जो अपने मोम दस्ते होते हैं उस पे अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है इसको। जब ये बिल्कुल पहले जैसे इलायची रगड़ ली, उसके बाद ये तवासीर मुलट्टी सबको रगड़ के और अच्छी तरीके से मिक्सिंग करके फिर दोबारा कूटना है। ये जब बिल्कुल बारीक हो जाएगा तब इसको दोस्तों यूज करना होता है। यूज अब मैं आपको बताता हूँ कि यूज किस मात्रा में किया जाता है। दोस्तों, ये एक कबूतर के लिए हम एक चुटकी यूज करते हैं। चुटकी जो अपनी ये होती है ना, इतनी चुटकी में भरा जितना भी आ गया वो यूज कर लिया। और इसको यूज करने का तरीका क्या है दोस्तों, जब भी ये सामान आप बनाओगे, आपकी जब बाजी होती है, मान लो आपकी परसों बाजी है, तो दोस्तों ये सामान कल सुबह बनेगा, यानी 24 घंटे पहले ये सामान बनेगा। एक एक तोले के हिसाब से और 20-20 ml के हिसाब से आपने पानी ले लेना है। अगर 6 कबूतर हैं तो 120 ml, लेकिन आपको पानी लेना है 150 ml। थोड़ा बहुत पानी जैसे भाई फालतू बन जाएगा, कोई वो नहीं है। उसके अंदर अगर 6 कबूतर उड़ाने हैं तो 8 कबूतरों का पानी बनाना है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि आधा कैंसिल करना पड़ जाए, या 10 का बना लो वो और भी बेस्ट है। बाकी इसमें कोई वो तो है नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा महंगा है या पैसे खराब हो रहे हैं। 10 कबूतरों का पानी बना लो और उस हिसाब से कबूतर को देना है। तो दोस्तों, अब सवाल ये आ जाता है कि ये पानी लगाया किस टाइम जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये पानी 24 घंटे पहले भिगा हुआ होना चाहिए, उसके बाद इस पानी को लगाने का सही समय है। दोस्तों, अगर आपकी बाजी 6 बजे उड़ती है तो इस पानी को आप 4 बजे लगाओगे सुबह के टाइम। रात के टाइम ये पानी नहीं देना होता है दोस्तों, सुबह देना है 4 बजे।
अगर आपकी 8 बजे बाजी है तो आप 5 बजे लगा सकते हो। और दूसरी एक बात दोस्तों, क्या होता है कि इसमें से 15-15 ml पानी देना सिर्फ आपको, सुबह 4 बजे 15 ml पानी दे के और आप अपने कबूतर को चले गए। सुबह जैसे भी आप अपने कबूतर को उड़ाते हो भाई, सादा उड़ाते हो तो सादा छोड़ो, पानी देके उड़ाते हो तो पानी देके, या कुछ और देके उड़ाते हो तो कुछ और देके आप छोड़ सकते हो। दूसरी बात दोस्तों कि क्या था यार अनिल, इसमें एक चीज और है भाई, सुबह 4 बजे लगाने का जो ये जो हम पानी बता रहे हैं, बुरे भाई बता रहे हैं, ये आपका अगर पोट में दाणा रोक रखा है तो वो उस दाणे को भी हजम करने में जो 2 या 3 घंटे का समय जो बचता है उसको हजम करने में भी बहुत कारगर होता है। इसलिए इसमें कई चीजें हाजमेदार मिलाई गई हैं ताकि कबूतर का पोट अच्छे से साफ हो जाए। और जिस दिन की भी आपकी दोस्तों बाजी होती है उस दिन आप अपने कबूतरों को दाणा वाणा दे के 1 बजे तक फिट कर दो। 1 बजे के बाद उनके सामने जितना भी दाणा पड़ा है आप उठा दो, सिर्फ पानी पानी रखा रहने दो। और रात के टाइम जब भी आप जैसे 8 बजे अपने कबूतर की संभाल करने आते हो तो 20 ml सादा पानी मार दो। गारंटी है दोस्तों सुबह तक उसके पोट में वैसे भी दाणा नहीं रहेगा, क्योंकि रात के टाइम कबूतर पानी पी नहीं पाते हैं और वो अपनी बीटों से जितना पानी पी रखा वो निकाल देते हैं, जिसकी वजह से कई बार दाणा रुक जाता है। और बुरे भाई वो चीज और बताओ कि बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं कि जैसे जिस दिन बाजी होती है उससे पहली रात कबूतर के साथ बहुत ही ज्यादा जो करते हैं वो। देखो दोस्तों, हम जो कबूतर तैयार करते हैं हम कभी भी रात के टाइम अपने कबूतर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं। रात के टाइम आदमी कभी कुछ दे रहा है कभी कुछ दे रहा है, तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ दोस्तों, कबूतर का स्थान भी बदल देता है, वो भी दिक्कत वाली बात होती है। कबूतर को हमेशा उसी जगह रखना चाहिए जिस जगह आप कबूतर को अपने को तैयार कर रहे हो। और दोस्तों क्या होता है, रात को आप ही लगा लो, अगर आपके साथ रात को बार बार आपको उठा के कभी कुछ दे रहे हैं कभी कुछ दे रहे हैं, भाई कल तुझे कुश्ती लड़नी है अब ये खा वो खा, आप आराम नहीं कर पाओगे, आपने जो खा पी रखा आप उसको भी नहीं पचा पाओगे। तो आप कल को जब पहलवान थका हुआ पहले से ही होता है तो लड़ेगा क्या। तो दोस्तों यही तरीका है, इसको कबूतर को रात को ज्यादा परेशान नहीं करना है, सिर्फ आपने रात के टाइम 8 बजे 7 बजे जब भी आप देते हो या 9 बजे सादा पानी देके चले जाओ और सुबह 4 बजे आके सिर्फ ये पानी लगा के चले जाओ। और अगर 2 कबूतर उड़ाने हो तो 4 या 5 को पानी लगाओ, अगर 7 उड़ाने हैं तो थोड़े ज्यादा का लगाओ, और आपको ज्यादा कबूतर उड़ाने और आपके पास गिने चुने हैं तो दोस्तों हमेशा बाजी में 1-2 कबूतर हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कई बार पानी देने से भाई कबूतर नहीं हजम कर पाता, कोई डाइजेस्ट नहीं करता, वो पलटी आ कर देता है। तो इसी मारे दोस्तों इस पानी को हम कभी भी जब भी लगाते हैं सुबह 4 बजे लगाते हैं, हम इस पानी को डायरेक्ट देके नहीं उड़ाते। बहुत सारे भाई हैं जो पानी को डायरेक्ट देके उड़ा जाते हैं, लेकिन दोस्तों हम ऐसा नहीं उड़ाते और नहीं हम कभी ऐसा करने की सलाह देते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दोस्तों जैसे डायरेक्ट पानी दे दिया आपने और मान लो कबूतर को नहीं सूट हुआ, कबूतर उल्टी आकर रहा उड़ता हुआ उल्टी आकर रहा वो कहीं बैठ जाएगा, फिर तो आपका कबूतर जाया हो जाएगा और बाजी से कैंसिल हो जाएगा। तो इसी मारे दोस्तों इस पानी को सुबह 4 बजे लगाओ और सुबह के टाइम जैसे भी 7-8 बजे 6 बजे जब भी आपकी बाजी है उस दरमियान आप अपने कबूतर को उड़ाओ। और यही है दोस्तों, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमेशा नस्लें उड़ती हैं। ये बात मैं आपको फिर कहता हूँ दोस्तों, कभी भी गैलर्ड कबूतर नहीं उड़ेगा, उड़ेगा बढ़िया नस्लदार कबूतर। और जितना भी सिंपल तरीके से आप अपने कबूतर को रखोगे और जितना सिंपल चीज उस पर लगाओगे तो आप फायदे में रहोगे, क्योंकि इंग्लिश मेडिसिन गर्मी के टाइम अगर कोई भाई लगा देता है तो कबूतर जाया होने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। और ये बिल्कुल देसी सामान है, इससे आपका कबूतर 2 घंटे 3 घंटे हो सकता है कि 4 घंटे भी आराम से बढ़ा दे। तो दोस्तों यही है पानी की जो रिक्वायरमेंट थी भाइयों की, बिल्कुल मैं यही है भाई, ये एक पानी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वैसे मेरे पास 3-4 तरीके के पानी है, मैं सिचुएशन के हिसाब से लगाता हूँ, लेकिन इन महीनों के दरमियान जो भी बाजी है उसके लिए बेस्ट पानी है और सस्ता पानी है। और ये थे दोस्तों, लेकिन हम नहीं उड़ा पाए इस साल, क्योंकि मैं कई भाइयों के कमेंट आते हैं कि भाई साहब आपकी बाजी कब है। भाई मैं इस साल कोई बाजियां नहीं लगा रहा हूँ, जान है तो दोस्तों जान है, क्या पता किसके अंदर कोरोना हो, तो हम इस चक्कर में नहीं है भाई जी, इस साल कोई बाजियां नहीं है, अगले साल देखेंगे जो भी बाजियां लगाएंगे। आपके मैंने बाजी में उड़ाने के लिए आपको पानी बता ही दिया है, अगर कुछ फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर सकते हो, नंबर मैंने कुछ वीडियो में पहले दे रखा है उसी में ढूंढ के आप कर सकते हो। दोस्तों कई दोस्त बोलते हैं कि कमेंट बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो उसमें ये देखने को मिलता है ये सर्दियों में भी दे सकते हैं या बरसात में भी दे सकते हैं,
नहीं दोस्तों, सिर्फ गर्मियों का नुकता है सिर्फ। हाँ, ये पानी गर्मी के लिए होता है दोस्तों, ये बरसातों में भी नहीं लगेगा और ना ही सर्दी के अंदर लगेगा। सर्दी में तो वैसे ही कबूतर उड़ जाते हैं, उस दरमियान तो कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं होती है ये, क्योंकि ये जितनी भी चीज मैंने आपको बताई है सब ठंडी है, इसमें कोई गर्म आइटम नहीं है। मई और जून के महीने में यूज करने वाला नुकता है। ठीक है दोस्तों, एक कबूतर के लिए एक चुटकी और 20 ml पर कबूतर पानी लेना है, 5 ml इसमें जाया भी हो जाता है। और हाँ, एक बात हो रहा है दोस्तों कि ये पानी बनाना किन बर्तनों में है, ये सबसे बड़ा टॉपिक था जो मैं भूल गया था दोस्तों। या तो इसको आपको बनाना है कांच के बर्तन के अंदर, या फिर जो मिट्टी की एक कुल्हड़ी आती है उसके अंदर, ये पीतल के, तांबे के, स्टील के और किसी भी बर्तन के अंदर, प्लास्टिक के बर्तन के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर ये पानी नहीं बनाना है। और इसको दोस्तों हमें फ्रिज के अंदर रखना है, जो फ्रीज में जैसे हम पानी ठंडा करते हैं ना, उसके अंदर इसको रखना है। और जब भी अपने कबूतर को आप पानी देने आओगे, एक घंटा पहले फ्रीज में से इस कबूतर को बाहर निकाल देना, ताकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप इस पानी को लगाना है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।